Hey friends, in this video, we're going to talk about Kuratowski's graph. One of the very important graph. Kuratowski has two graphs, Kuratowski's first graph and Kuratowski's second graph. So let's talk about the first one. So Kuratowski's first graph is as simple as a complete graph with five vertices. So what is a complete graph? Complete graph is nothing but a graph jahan pe hume, in which we have to connect a vertex to all other vertices. Let's take an example. यहाँ पर लोग example से चीज़ को समझते हैं. तो exactly Kuratowski's first graph क्या बोलता है? ये complete graph with five vertices को हम लोग Kuratowski's first graph बोलते हैं. इसे denote किया जाता है K5. नीचे में हम लोग उसको लिखेंगे 5. Now इस graph को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो that is a complete graph with five vertices. तो complete graph हम कैसे बनाते हैं? कंप्लीट ग्राफ बनाने के लिए हम लोग जस्ट लेते हैं, यहाँ पर मैं वर्टिसेस यहाँ पर है 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 वर्टिसेस मैंने लिया है. अब हर एक को हर एक के साथ कनेक्ट करना, दैट इज दिस वर्टेस विल बी कनेक्टेड विद दिस 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 एंड दिस अगेन द सेकेंड वर्टिस. ये मेरा पहला वर्टिसेस गया. नेक्स्ट सेकेंड वर्टिस विल बी कनेक्टेड विद द ईच एंड एवरी वर्टिसेस. तो ऊपर वाला तो लगा ही हुआ है, दैट इज ये दैट वन, ये तो आगे से है. नाउ दिस वन नाउ द थर्ड वर्टिस को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही ये इधर से लगा हुआ है, ये भी आगे से है. एंड नाउ विल कनेक्ट दिस विद दिस वर्टिसेस एंड दिस वर्टिसेस. नाउ लास्ट वन विल कनेक्टेड विद दिस वन. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज K5 और Kuratowski's फर्स्ट ग्राफ. Here we have five vertices V1, V2, V3, V4 and V4 and V5, in which each and every vertices, that is यहाँ पर हर एक vertex एक दूसरे से जुड़ा हुआ है by an edge. So this is as simple as a Kuratowski's first graph. Let's go ahead with and see Kuratowski's second graph. So Kuratowski's second graph क्या बोलता है? A regular connected graph. It is a regular connected graph with six vertices and nine edges. In six vertices and nine edges. यहाँ पर क्या है हमारे पास? Six vertices है. यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर six vertices V1, V2, V3, V4, V5 and V6. There are six vertices and nine edges. Nine edges यहाँ पर हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? कुछ इस तरीका से हम लोग कनेक्ट करते हैं nine edges. That is, this one is this, this one with this one, and this one with this one. Similarly, यहाँ पर सेकेंड के साथ यहाँ V4, V2 के साथ V5 एंड V2 के साथ V6 एंड लास्ट वन एज V2 के साथ V4, V2 के साथ V3 के साथ V4, V3 के साथ V5 एंड V3 के साथ V6. सो इसको देख के आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि इसे हम बाइपार्टाइट ग्राफ भी बोलते हैं, बाइपार्टाइट ग्राफ भी बोलते हैं. अगर आपको बाइपार्टाइट ग्राफ के बारे में नहीं पता हो तो आप मेरा बाइपार्टाइट ग्राफ का वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा. ये हमें इसको एक्चुअली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ईच वर्टिसेस ऑफ अ डिसजॉइंट सेट विल कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी वर्टिसेस इन द अदर सेट. मतलब यहाँ पर ये V1 अपने V2 या V3, मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम के कोई भी वर्टिसेस कनेक्ट नहीं हो रहा है, और पर V1, V4, V5 एंड V6 ये सबके साथ कनेक्ट हो रहा है. सो एग्जैक्टली यही होता था हमारा बाइपार्टाइट ग्राफ में. तो इस एग्जैक्टली इसको हम क्या बोलते हैं, बाइपार्टाइट इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, K33. इसको हम लोग डिनोट करते हैं K3.3. क्यों 3.3 में लिखते हैं? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास थ्री वर्टेक्स है, यहाँ भी थ्री वर्टेक्स है. सो एग्जैक्टली इसीलिए इसको हम लोग K3.3 लिखते हैं. और इसे हम कंप्लीट क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पर आप फिर से वही सेम लॉजिक कि हर एक वर्टेक्स हर एक ऑपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पर जुड़ा हुआ है. दैट इज V1 के साथ V4, V5, V6, V2 के साथ भी V4, V5, V6 एंड V3 के साथ भी V4, V5, V6. दैट इज ईच वर्टेक्स इन वन सेट इज कनेक्टेड ऑल द वर्टेक्स इन द अदर सेट. यही होता है हमारा बाइपार्टाइट ग्राफ भी. सो आई होप Kuratowski's सेकंड ग्राफ भी आपको समझ में आया होगा और Kuratowski's फर्स्ट ग्राफ भी समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.